नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जिसका इतिहास आज से तकरीबन 700 वर्ष पुराना है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के साथ में ये वाली जो नगरी है वो बाबा रामदेव की समाधि के नाम से जानी जाती है। उनके चमत्कारों के यहाँ पर जब व्याख्यान होते हैं तो उनको यहाँ के दर्शक, यहाँ के आने वाले सभी जितने भी लोग हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित रुणेचा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर आज हमें मौका मिला है बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने का। और दोस्तों, इनके समाधि के दर्शन करने का मतलब है कि जीते जी स्वर्ग को अपनी आंखों के आगे देख लेना। सबसे पहले आप बाबा रामदेव के इस समाधि के इस पूरे बाहरी नज़ारे को देख सकते हैं कि फूलों की मालाओं के साथ में सजाया गया मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। और इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले ही मेरे शरीर में वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो शुरू हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों, इतिहास की वो सारी कड़ियाँ आज हम आपके सामने यहाँ पर रखेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि बाबा रामदेव का जो चमत्कार है वो किस प्रकार से उनके जन्म 1352 विक्रम संवत 1409 से ही शुरू हो जाता है। किस प्रकार से लोक देवता, लोगों की मन्नतें पूरे करने वाले देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे मुलाकात करते हैं आज के वक्त में बाबा रामदेव के 19वीं पीढ़ी के वंशज से, और ये यहाँ पर हमें सारा इतिहास, यहाँ की वो बारीकियाँ बताएंगे जो हम लोगों को नहीं पता है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, जय श्री रामदेव जी की। तो भाई जी, आप हमें इस समाधि स्थल की वो सारी चीज़ें बता दो कि हमारे दर्शक और बाबा के भक्त बस यहाँ पर आने के लिए तत्पर हो जाए। तो शुरू करिए। हमारा प्रयास यही रहता है कि वाकई हर भक्त को यह बताया जाए कि ये समाधि स्थल क्यों खास है और इनमें कैसे क्या बात है जो देश के अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ आके अपना माथा टेकते हैं। तो चलिए, आपको शुरुआत करते हैं कर्ण द्वार से और आगे जैसे जैसे स्थान आएंगे आपको उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ ये पधारे हैं दिल्ली से दो मेहमान जिनको बाबा के बारे में जानने का बहुत मन था, तो हम चलते हैं उनको बताते हैं बाबा के इतिहास के बारे में और बाबा के पर्चों के बारे में। चलिए बने रहे साथ में, देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महेंद्र भाई ने बहुत छोटे से इंट्रोडक्शन में बातें शुरू कर दी हैं अपनी, और मंदिर के इस कर्ण द्वार पर आपको सबसे पहले 18 से 20 फिट ऊंचा एक शाही भव्य दरवाज़ा दिखेगा। मंदिर की जो ये आज के वक्त में संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसकी नींव तो पड़ चुकी थी बाबा की समाधि लेने के बाद से। लेकिन इतना जो बड़ा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, ये बना था 1931 बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा, और समय समय पर आज तक भी यहाँ पे काम चलते रहते हैं। उसके बारे में हमारे महेंद्र भाई बताएंगे। तो महेंद्र भाई, शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, बताइए। बाबा का जन्म 1409 विक्रम संवत का बताया जाए, माना जाता है अजमल जी के कोई पुत्र नहीं था। तो बाबा के आने के बाद जैसे चमत्कार हुए यहाँ रणुजा में, जो आपको मैं जैसे जिस स्थान में जो चमत्कार हुआ उस वहाँ जाके मैं बताऊँगा। पहले कर्णी द्वार पे यहाँ आके हैं तो ये आपको देखेगा, ये द्वार जो कोटिंग की गई है चांदी की, उससे हम एंटर लेते हैं। बाबा के जो भक्त आते हैं वो यहाँ से प्रवेश करते हैं। मेले में बहुत रश रहता है और भाद्र पक्ष में माना जाता है प्रत्येक दिन 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आके दर्शन करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बाबा का पूरा इतिहास, वो भी बाबा के समाधि स्थल पर। एक बहुत से लोग बोलते हैं ये मंदिर नहीं है, बाबा ने यहाँ समाधि ली थी 1442 विक्रम संवत में, और आपको यहाँ बहुत सी और समाधियाँ देखने को मिली। और बाबा के भक्तों से भी बात करवाएंगे कि उनको कैसा लगता है, उनकी कौन सी मान्यताएँ पूरी होती है। तो चलिए दिल्ली के मेहमानों के साथ बाबा का भ्रमण शुरू करते हैं। दोस्तों, समाधि परिसर के अंदर आने के बाद में हम यहाँ की जो भव्यता है वो यहाँ के बने हुए कंस्ट्रक्शन से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए कितनी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब आप उन आंकड़ों को सुनेंगे ना दोस्तों, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। सावन का वो महीना जब बारिशें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद का महीना यानी कि भादवे का महीना, प्रतिदिन लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, और दर्शकों का, भक्तों का जो ताता है ना, वो दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस चीज़ को मैनेज करने के लिए
यहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स और यहाँ के जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं उन लोगों का यहाँ पे पूरे का पूरा यूज किया जाता है। तो महेंद्र भाई, अब सामने की तरफ मैं काफी सारी जो छोटी बड़ी कुछ ये मड़ियां हैं वो देख पा रहा हूँ। तो महेंद्र भाई, यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े पॉइंट्स हैं इनकी जो विशेषता है, इतिहास वो बताइए आप। जी जरूर, बिल्कुल बताएंगे। हम राजपूत में एक ऐसी जात है तंवर, जो अपने देहांत के बाद अग्नि संस्कार नहीं करते, जमीन में उनको दफनाया जाता है, क्योंकि बाबा ने 1442 में जो समाधि ली थी उसके बाद उनके जितने भी पुत्र हुए सबने समाधि ली। ये समाधियाँ हैं बाबा के वंशजों की है, और आपको मैं कुछ समाधियाँ दिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी समाधियां बनी और ये वही समाधियां हैं जो बाबा रामदेव के ही वंशज हैं। और जैसा हमें महेंद्र भाई ने बताया कि एकमात्र ऐसे राजपूत यानी कि तंवर जो बाबा की समाधि के बाद आज भी उसी विधि विधान से समाधियां ही ले रहे हैं, और यहाँ पर इन्हें जलाया नहीं जाता मरणोपरांत, इनकी याद में समाधियां बनाई जाती है दोस्तों। और अब यहां पर आप देखिए काफी सारी समाधियां बनी हुई हैं, इनमें से कुछ विशेष इनके बारे में बताइए आप हमें। ये बाबा के जो गादी पे बैठे थे, विराजमान हुए थे, राव रिडमल सिंह जी। अभी चलते हैं, आपको बताते हैं उधर से, उसके बाद चलते हैं बाबा के भी दर्शन करते हैं और आपको वहां के भी बताते हैं। जो बाबा की गादी पे बैठते हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है, उन्हें गादीपति के नाम से संबोधित किया जाता है, और गांव के सबसे बड़े मुखिया उन्हीं को बोला जाता है। तो वर्तमान में भी गादी पे कौन बैठा है? अब यार वर्तमान में हमारे बड़े भाई साहब, बड़े पिताजी के लड़के राव भोम सिंह जी वर्तमान में गादी पर विराजमान है। अभी फिर आपको चल के दिखाते हैं कि राव जसवंत सिंह और राव रिडमल सिंह समाधि दिखाते हैं, और ये समाधि सबसे अलग क्यों है वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताइए आप हमें। ये सभी बाबा के परिवार से भी है, और जो इनको सम्मान मिला था, राव की पदवी मिली थी, ये राव हिम्मत सिंह जी की समाधि है। यहाँ पर दोस्तों तारीख भी मेंशन की गई है, उनके बारे में कुछ बातें भी लिखी गई हैं, वो आप देख सकते हो। और आगे चलते हैं, और ये भी इसी संदर्भ में बाबा के वंशज की समाधि है, और यहाँ सिर्फ बाबा के वंशजों की ही समाधियाँ मिलेंगी, और कुछ जो है गादीपति रह चुके हैं अपने जीवन काल में। ये है राव रिडमल सिंह जी, ये बैठक समाधि है जो कि सिर्फ गांव गादीपति होते हैं उन्हीं को दी जाती है। आप नीचे देख सकते हो कि ये वंशज कितने सन में उनका जन्म हुआ था और कितने सन में उनको समाधि दी गई थी। और ये आगे चल के आपको बताते हैं, ये राव जसवंत सिंह जी है जिनकी समाधि है, और जो राव साहब होते हैं उनको ही समाधि बैठक दी जाती है, बाकी सबको अपने देहांत के बाद में विधिवत रूप से समाधि दी जाती है। चलिए अब चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं बाबा के वहाँ किन किन की समाधियाँ हैं और कैसे है, कौन सी पुत्र की है, कौन सी दादा की है, और दादा की कैसी समाधि है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। महेंद्र भाई, यहाँ पर आने का विचार हमारा उस वक्त सबसे पहले दिमाग में आया जब हम अपने मामा के गांव जाते थे ना, तो जो मेरे मामा जी हैं ना वो बाबा रामदेव के इतने बड़े भक्त हैं, हर साल वो अपने घर पे जो रात में जम्मा जिसको कहते हैं रात जगाना, रात जगाना, तो हम रात जगाने के लिए जाते थे वहाँ पे, तो मामा बुलाते थे हमें जी। तब से दिल में तमन्ना हुई कि यार कभी जाएंगे बाबा के समाधि के दर्शन कर कर आएंगे, तो आज हम आ गए हैं। और अब हमें कुछ और यहाँ पे विशेष दिखाइए। विशेष हम आपको दिखाना चाहेंगे बाबा के वंशजों की वंशावली, यानी कि पूरी वंशावली। जी बिल्कुल, जो बाबा के वंशज के, बाबा के दो पुत्र थे देवराज जी और साधु जी, जो देवराज जी का वंश चला है वो रामधर्म रहता है, और साधु जी का वंश है जो सादा करके गांव बसा हुआ है उसमें है। तो चलिए मैं आपको देवराज जी के पूरे वंश के बारे में बताता हूँ। देवराज जी का जो परिवार है जो आप देख रहे हो ये वंशावली वट वृक्ष जी, इनके भी चार पुत्र थे, पूरी वंशावली है इसमें जो रामधर्म रहे हैं, बाबा के वंशज है देवराज जी के बेटों से हुए, इसमें हमारा भी नाम आता है। बाबा के जितने भी भक्त हैं उनको ये देख के अच्छा लगेगा कि एक भी बाबा के संतान जो देवराज जी के पुत्र थे उनको यहाँ मेंशन किया गया है। और जो जितने भी गादीपति रहे हैं बाबा के जो पद पर विराजमान रहे हैं उनके भी नाम आपको विधिवत दिख रहे होंगे। जो अभी वर्तमान में पदासीन है वो राव भोम सिंह जी है, जो 22वें नंबर के गादीपति है और 19वीं पीढ़ी के वंशज हैं।
तो महेंद्र भाई, हम इस पूरी वंशावली के अंदर बहुत सारे नाम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ये अभी ज्ञात है कि जितने भी नाम है ये संख्या में कितने हैं? 1772 समथिंग 72 है ये। और इन 1772 में हमें उन विशेष व्यक्ति का नाम दिखाइए जो अभी हमारे साथ मौजूद है, यानी कि हमारे महेंद्र भाई। तो उनका नाम एक बार दिखाइए आप हमें, कहाँ पर है, यानी कि आप अपना नाम दिखाइए इस पूरी उसमें। ये रहा महेंद्र सिंह। अरे वाह, ये हमारे पिताजी का नाम स्वरूप सिंह। ऐसे करके हमारा ये पूरा पीढ़ी चल रहा है। यहाँ जितने भी नाम है आपको मेंशन किए जाएंगे, जैसे पेड़ के वृक्ष की डाल मन चलती है, वैसे ही हमारे ये वृक्ष जिसे वंशावली वृक्ष कहा जाता है। बाबा के कुल में जन्म लेने के बाद में बहुत प्राउड भी फील होता है, और हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि बाबा के जो दिखाए गए मार्ग है उस पर चला जाए, और बाबा का नाम और जो स्वर्णिम अक्षरों में आज के टाइम लिया जाता है आगे भी ऐसा लिया जाए, ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आज हम पूरा आपको बताते हैं, अभी चलते हैं बाबा के समाधि के अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं बाबा की समाधि के बारे में, उसके बाद दिखाते हैं डाली बाई जी की समाधि, जो बाबा के शिरोमणि भक्त रह चुकी है उसकी भी समाधि पे लेके जाते हैं।